झांसी के जिलाधिकारी के द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करने आज अधिकारी कुरैश नगर कसाई मंडी कपूर टेकरी क्षेत्र में पहुंचे। सर्वप्रथम अधिकारियों ने इन इलाकों में चल रहे मदरसों के विषय में लोगों से जानकारी ली तो अधिकारियों को पता चला कि इस क्षेत्र में कहीं भी कोई भी मदरसा संचालित नहीं है। वहीं कागजों की अगर बात की जाए तो कई मदरसे कपूर टेकरी कसाई मंडी कुरैश नगर आदि इलाकों में संचालित हो रहे हैं। समाज सेवी कलाम कुरैशी राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के द्वारा झांसी के जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र कुछ दिन पूर्व ही दिया गया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इन इलाकों में शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। यहाँ के मासूम और छोटे छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ना तो यहाँ सरकारी स्कूल हैं और ना ही यहाँ पर कोई सरकारी मदरसा, जबकि कागजों में और झोलों के अंदर यहाँ कई मदरसे संचालित हो रहे हैं। सरकार के द्वारा इन मदरसों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को उनका वेतन भी दिया जा रहा है और सरकारी सभी योजनाओं का लाभ भी इन मदरसों को मिल रहा है, सिवाय इन मासूम बच्चों के जो इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि मदरसे तो यहाँ संचालित हो नहीं रहे। हाँ, मदरसा माफिया इन बच्चों के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ भरपूर उठा रहे हैं। जिलाधिकारी ने समाज सेवी कलाम कुरैशी के प्रार्थना पत्र पर एक जांच समिति इन मदरसों की जांच के लिए गठित की थी, जो आज जांच करने इलाके में पहुंची। जब इस जांच समिति ने कपूर टेकरी कसाई मंडी आदि क्षेत्रों में लोगों से मदरसे के विषय में जानकारी ली तो उनको पता चला कि यहां पर कोई भी मदरसा संचालित नहीं हो रहा है। जांच अधिकारी पूरे इलाके का भ्रमण करके और लोगों से बात करने के बाद यहां से चले गए। अब देखना यह होगा कि वह अपनी जांच रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। क्या यह जांच अधिकारी इन मदरसा माफियाओं के ऊपर नकेल कसने में कामयाब होंगे या फिर यह इलाका शिक्षा से इसी तरह वंचित रहेगा। लाइव टुडे न्यूज के लिए झांसी से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। 26 अगस्त को मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि मोहल्ला बहार ओरछा गेट कसाई मंडी कपूर टेकरी क्षेत्र में एक भी मदरसा संचालक नहीं है। 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र शिक्षा और तालीम के लिए तरस रहा है। उस आधार पर आज माननीय जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच कमेटी हमारे मोहल्ले में आई और सर्वे किया। सर्वे में ये पाया गया कि वहाँ लोगों से पूछताछ की गई, एक भी मदरसा नहीं मिला, केवल मदरसे झोलों में चलते नज़र आए। अधिकारी जो जांच करने के लिए आए थे तो आम लोगों से उन्होंने खुद बात करी या आपने उनसे मुलाकात कराई? अधिकारियों ने स्वयं अपने वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से अलग अलग मुलाकात की और उनने पूछताछ की गई। मुझसे भी पूछताछ की गई तो मैंने भी पूरा मोहल्ले को के सामने सर्वे कराया। क्या लगता है ये मदरसा माफिया जो हैं ये किस तरह से जो है ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बनी हुई बात है कि एक आबादी क्षेत्र में केवल मैंने ही प्रार्थना पत्र दिया था कार्रवाई के लिए, जब मेरे मोहल्ले में ये हाल है कि तालीम से मोहताज कर दिया बच्चों को। जांच टीम ने अभी जाना कि छोटे छोटे बच्चे रोडों पर सड़कों पर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ना कोई स्कूल जा रहा है ना कोई वो, जब है ही नहीं मदरसे और स्कूल तो कहाँ से जाएंगे। उनने भी जांच टीम ने जाना कि बहुत बुरी कंडीशन है मोहल्ले की। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि कार्रवाई हो और पुनः मदरसे चालू हो। किस तरह की कार्रवाई आप इन माफियाओं पर चाहते हैं? अब ये तो प्रशासन जाने, उन पर मुकदमा कायम करे, उन्हें जेल भेजे और जो जितने साल से मदरसे चला रहे हैं झोलों के अंदर, वो मदरसों की जांच कर उस आधार पर कार्रवाई करे प्रशासन।